भोपाल में गीता जयंती के मौके पर बुधवार को 5,000 आचार्यों और प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग का सस्वर पाठ सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुआ और 9 मिनट तक चला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुकेटर विश्वनाथ ने विश्व रिकॉर्ड की घोषणा की, जिसके बाद सीएम यादव को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट सौंपा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, किसी पूजा पद्धति से हमारा विरोध नहीं है। हमने इंद्र का दरबार नहीं देखा, लेकिन आज उसका लघु रूप यहाँ दिखाई दे रहा है। 10,000 श्लोक यहाँ पढ़े गए। 5,000 साल पहले जो रिकॉर्ड बना था, उस समय गिनीज बुक नहीं थी, लेकिन उस समय भगवान के मुखारविंद से निकले एक एक शब्द लिपिबद्ध हुए थे। आज एमपी नहीं, दुनिया के अंदर पहली बार भगवान के मुंह से निकली गीता के पाठ का रिकॉर्ड बना है। आने वाले समय में इससे बड़ा कार्यक्रम कोई और करे तो हम आनंद में डूबेंगे। और अपने निर्णय से अवगत कराएं, और उसके बाद उस निर्णय के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी को वो दस्तावेज प्रस्तुत करें। हेलो, नमस्ते। माय नेम इज ऋषिनाथ। आई एम द ऑफिशियल एडजुडिकेटर एंड आई एम मेकिंग द अनाउंसमेंट राइट नाउ दैट द न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज बीन मेड। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसा लग रहा है कि आज परमात्मा की दया से हमने अपने इंद्र का दरबार नहीं देखा है, लेकिन आपको और इनको सबके लग रहा है कि ये हमारा लघु रूप दिखाई दे रहा है स्वर्ग के समान। यहाँ लाल परेड ग्राउंड के ऊपर राजा भोज की वो धरती, जहाँ 1,000 साल पहले इसी प्रकार से कला, संस्कृति, इतिहास, सभ्यता, नानक प्रकार के ऐसे आयोजनों से ये धरा आनंद में डूबती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब ये कार्यक्रम में एक बात का उद्घोष हुआ कि 5,000 साल पहले जो रिकॉर्ड बना था, उस रिकॉर्ड के आधार पर उस समय तो कोई गिनीज बुक नहीं होगी, लेकिन वो सारी बुकों से ऊपर एक अपना परमात्मा का दिया हुआ दिव्य वाणी है, जो लिपिबद्ध होकर के भगवान के मुखारविंद से निकले एक एक शब्द, वो हमारे श्रीमद गीता का हमारा एक पवित्र ग्रंथ के रूप में प्राप्त हुआ, जो आज भी हमको कर्मवाद की शिक्षा देता है, भक्ति मार्ग की तरफ ले जाता है और सांग